हम सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे सिर्फ भाग दौड़ी मची है। हम लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाते हैं और काफ़ी बार तो हम लोग को पता भी नहीं होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे बुरी चीज़ जो हम लोगों की लाइफ में आजकल हो रही है वो ये है कि हम लोगों के पास कोई भी रूल्स नहीं है ज़िंदगी को जीने के लिए। काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है ये समझने में कि सही और गलत क्या है, और ये रूल्स आपको यही समझने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे रूल्स दूंगा जो जॉर्डन पीटरसन ने लिखे हैं, और मुझे लगता है अगर हम सब लोग ये रूल्स फॉलो करें तो हम लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और हम लोगों की सोसाइटी भी अच्छी होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान, और अगर आप यहाँ पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियोज़ ना मिस करें। जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे लोगों से बात करने में और उनको उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। उन्होंने हर तरह के मेंटल पेशेंट्स को डायग्नोस किया है, और अगर आपने उनके यूट्यूब वीडियोस को कभी भी देखा है तो आपको पता चल जाए कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कामयाब आदमी है, और उनके आइडियाज़ को सच में जो भी सुने उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उनके 12 रूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और ज़रूर मैं रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उनकी बुक ज़रूर खरीद लें। मैं उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ये शायद सबसे सिंपल रूल है और काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि अपने पोस्चर को सही रखने से आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन ने एक और आइडिया दिया हम लोगों को जो इस बात को और क्लियर करता है। उन्होंने अपनी बुक में लॉबस्टर्स के बारे में बात किया है, और उन्होंने ये बताया कि जब लॉबस्टर्स लड़ाई करते हैं और अगर कोई लॉबस्टर जीत जाता है तो वो अपने आप को और बड़ा दिखाता है, और उसकी बॉडी में केमिकल होता है सेरोटोनिन जो रिलीज़ हो जाता है, और अगर कोई लॉबस्टर हार जाता है तो और छोटा बन जाता है और उसके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो लॉबस्टर्स इसी तरीके से अपनी सोसाइटी को अरेंज कर लेते हैं, और जो लॉबस्टर सबसे ज़्यादा लड़ाई जीतता है और जिसका सबसे अच्छा पोस्चर होता है वो टॉप लॉबस्टर बन जाता है, और जिस लॉबस्टर का बेकार पोस्चर होता है वो नीचे वाला लॉबस्टर बन जाता है। अब ऑब्वियसली हम लोगों की सोसाइटी इस तरीके से नहीं काम करती है, लेकिन कुछ सर्किट्स हैं हम लोगों के दिमाग में जो इसी तरीके से काम करते हैं जैसे वो लॉबस्टर्स के अंदर काम करते हैं। तो इसका ये मतलब है अगर आप सीधे खड़े होइए और अपने शोल्डर्स पीछे रखिए तो आप अच्छा फील भी करेंगे, और एक तरीके से आप अपने आप को टॉप लॉबस्टर जैसा समझने लगेंगे। दूसरे लोग आपको और अच्छे से ट्रीट करेंगे, और ऑब्वियसली आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगी। दूसरा रूल है कि अपने आप को वैसे ट्रीट करिए जैसे आप उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये रूल ध्यान से सुनिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि जिन लोगों से हम लोग प्यार करते हैं हम लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उनको ज़्यादा जंक फूड नहीं खाने देंगे, या अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से प्यार करते हैं तो आप उनको फोर्स करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए अगर उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। अगर उनका मन भी नहीं कर रहा होगा तब भी आप उनको फोर्स करेंगे। लेकिन हम लोग अपने साथ ऐसा नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई लड़का या लड़की किसी को इम्प्रेस करने के लिए किस हद तक चला जाता है? वो लोग तो पहाड़ भी हिला देंगे किसी और के लिए, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। सोचिए कितनी अलग आपकी ज़िंदगी होगी अगर आप अपने आप से भी उतना ही प्यार करें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को सिर्फ खुश करने के लिए चीज़ें करें, इसका ये भी मतलब है कि आप अपने आप से वो चीज़ें करवाएं जो आपके लिए अच्छी हैं लेकिन आपको उनको करने का मन नहीं करता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको वेट लॉस की ज़रूरत है तो आप उनको एक डोनट खाने से रोकेंगे। उसी तरीके से अगर आप अपने आप से भी प्यार करते हैं और आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपने आप को भी रोकना चाहिए एक डोनट खाने से। तीसरा रूल है कि उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती रखिए जो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। अब ये चीज़ है जो काफ़ी लोग गलत करते हैं। जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे वही बताता है कि आप अपने बारे में कैसा फील करेंगे। अगर आपके बहुत टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, बुरे दोस्त हैं, ऐसे लोग जो आपके लिए सबसे बेस्ट नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बुरे फ्रेंड्स का। मान लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, या मान लीजिए आपका प्रमोशन हुआ, और आप अपने दोस्तों को जाके बहुत खुशी खुशी बताते हैं, और फिर वो आपके लिए खुश होने के बजाय हो सकता है वो आपसे जलने लगे, या वो आपसे बोलें कि अरे यार तुम वैसे भी कितने ही पैसे कमा रहे हो, या वो बोलें कि यार इस प्रमोशन से तुम्हारी ज़िंदगी बदल थोड़ी जाएगी। तो इस तरह के लोग आपको हटा देने चाहिए। आपको सिर्फ वैसे ही लोग अपने आसपास रखने चाहिए जो आपके लिए बेस्ट चाहें। और इसका ये भी मतलब है कि अगर आप कुछ गलत करें तो वो आपको बताएं कि यार तुम कुछ गलत कर रहे हो, और जब आप जीत रहे हो और अपनी लाइफ में खुश हो तो वो भी आपके लिए खुश रहें। चौथा रूल है कि अपने आप को सिर्फ कंपेयर करिए जो आप थे कल, और किसी और से ना कंपेयर करिए जो वो आज है।
हम सब लोग इसमें फंस जाते हैं कि हम लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और इसी वजह से हम लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे यार उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, या वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रहा है जो एकदम आपकी तरह हो। हर इंसान की एक अलग ज़िंदगी रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसकी भी लाइफ आप ही की जैसी होगी, और आप अपने आप को उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक ही इंसान है जिसके साथ आपको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, और वो है आप कौन थे कल। अगर आप हर रोज़ बेहतर बनते चले जा रहे हैं और जैसे आप कल थे उससे आप बेहतर हैं, तो आप सही काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स आपको देते रहूँगा। पांचवा रूल है कि अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा ना करने दीजिए जिससे आप उनको पसंद ना करें। अब ये रूल है पेरेंट्स के लिए, और क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं कि जॉर्डन ये कहते हैं कि आपको पेरेंटिंग इफेक्टिव तरीके से आनी चाहिए, और आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करें ताकि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे आप उसको नापसंद करने लगें। अगर आपको नहीं पसंद है कि आपका बच्चा चिल्ला रहा है, अगर उसके पास उसका टैबलेट या फ़ोन नहीं है, तो उससे बात करिए, उसको सिखाइए कि कैसे डिसिप्लिन रहना है। और मैं आपको ज़्यादा पेरेंटिंग एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन बस ये ध्यान में रखिए कि जॉर्डन ने ये कहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर करें और उनको फिक्स करने की कोशिश ना करें, तो आप अपने बच्चों को भी नापसंद करने लगेंगे, और सबसे बुरी बात होगी कि इन्हीं वजह से दूसरे लोग आपके बच्चों को नापसंद करने लगेंगे, और ये आपके बच्चों के लिए बहुत बुरा होगा। रूल नंबर 6 है कि अपने घर को एकदम सही बनाइए दुनिया को क्रिटिसाइज़ करने से पहले। हम लोगों की सोसाइटी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब लोग सबसे पहले आएंगे और गवर्नमेंट की बुराई करेंगे और इंस्टीट्यूशंस की बुराई करेंगे कि हम लोगों की पूरी ज़िंदगी उन्हीं की वजह से बर्बाद है। मेरी एक दोस्त थी जो हमेशा बार बार बोलती थी कि दुनिया कैसे उसके लिए बुरी है। वो मुझे बताती थी कि कितने लोग दुनिया में बुरे हैं और ये दुनिया एक बुरी जगह क्यों है। लेकिन इसके बारे में सोचिए कि आप किस मुँह से इस दुनिया की बुराई कर रहे हैं अगर आपने खुद के लिए वो चीज़ें नहीं करी हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए। अगर आपने मेहनत नहीं की अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि दुनिया अच्छी होगी आपके लिए। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है अभी, तो अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये सोचना बंद करिए कि आप इस दुनिया में हर किसी से अच्छे हैं, और अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस बनाना शुरू करिए। और ये चीज़ कोशिश करिए बस करने की, एक हफ्ता कोशिश करिए, एक महीना कोशिश करिए, एटलीस्ट कोशिश करिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों को सुधारने के लिए दुनिया को बुरा बोलने से पहले। सातवां रूल है कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें मीनिंग हो, और वो काम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ आसान हो। ये चीज़ जो हम सब लोग कभी ना कभी करते हैं, हम लोग सिर्फ आसान चीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ जो हम लोगों को सबसे जल्दी रिजल्ट्स देगी। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे हो या सबसे ज़्यादा फेम हो एट्सेट्रा, लेकिन हम लोगों का दिमाग सिर्फ मीनिंग के लिए ही बना है। जैसे विक्टर फ्रांकल ने अपनी बुक में कहा है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, हम लोगों के दिमाग मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। हम लोगों को चीज़ों में मीनिंग ढूंढनी हो, हम लोगों को किसी भी चीज़ को करने के पीछे उसके मतलब से ज़्यादा फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया का सारा पैसा आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई मतलब ही ना दिखे, तो हमेशा वो चीज़ें करिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। लॉन्ग टर्म सोचा करिए और शॉर्ट टर्म आसान चीज़ों के पीछे ना भागिए। आठवां रूल है कि हमेशा सच बोलिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट झूठ ना बोलिए। हम लोगों की सोसाइटी काम तभी करती है जब हर कोई एक दूसरे से सच बोलता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में और आप अपने पार्टनर से सच नहीं बोलते हैं, तो ये रिलेशनशिप की कोई भी मीनिंग नहीं है। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन सोसाइटी में। जब मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, तो मैं ये ट्रस्ट रखता हूँ कि बाहर लोग मेरा मर्डर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसी वजह से मैं सेफ फील करता हूँ, और इसी वजह से मैं इस सोसाइटी में कुछ दे सकता हूँ। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग एक दूसरे से जितना हो सके उतना सच बोलें, और अगर सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और सच नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप झूठ ना बोलें। रूल नंबर 9 है कि आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसको कुछ ऐसी चीज़ पता है जो आपको नहीं पता है। वो चीज़ें जो आपको नहीं पता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों से जो आपको पता है। हम सब लोग चलते फिरते तो ऐसे रहते हैं जैसे हम लोगों को हर चीज़ पता है, लेकिन इसी वजह से हम लोग नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। इस दुनिया में इतनी सारी नॉलेज है कि कोई भी तरीका नहीं जिससे आपको हर चीज़ पता हो। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, हमेशा ये सोचिए कि उसको कुछ ऐसी चीज़ पता है जो आपको नहीं पता है। इसकी वजह से आप उससे असलियत में बात कर पाएंगे और उससे कुछ सीख पाएंगे, एज़ कम्पेयर टू कि आप हमेशा सिर्फ अपने ही आइडियाज़ लोगों को बता रहे हैं।
रूल नंबर 10 है कि हमेशा अपनी स्पीच में प्रिसाइज रहा करिए। इसका मतलब है कि जब भी आप बोला करिए एकदम क्लियर और अच्छे से बोला करिए। अगर आप लोगों से क्लियरली नहीं बोलेंगे और आप इधर उधर की बातें करते रहेंगे और आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं बना पाएंगे तो आप सोसाइटी में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में जो लोग सबसे अच्छी कहानियाँ बताते हैं और जो लोग सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको ये स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। रूल नंबर 11 है कि जो बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं उनको परेशान ना करा करिए। अब ये रूल आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। काफ़ी लोग बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं जब वो खेल रहे होते हैं और ख़ास करके जब लगता है कि उन बच्चों को चोट पहुंच सकती है। अब हाँ, ऑब्वियसली आपको उनको रोकना चाहिए अगर वो सच में कुछ डेंजरस कर रहे हों। लेकिन काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ इसलिए खेल रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को पुश कर रहे होते हैं। वो लोग किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे सब खड़े होकर कोशिश करते हैं कि देखो सबसे ऊँचा कौन कूद सकता है, तो वो सब अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं और इसी की वजह से वो लोग बेहतर बन रहे होते हैं। और यही जोश अपने आप को पुश करने का, कुछ ऐसा करने का जो थोड़ा डेंजरस हो, हम सब लोगों के अंदर होता है। और ये दूसरों में अगर आप देखिए तो उसको रोकने की कोशिश ना करिए, उसको पूरी तरीके से अपनाइए। और जब आप यही कर लेंगे और दूसरों में ये चीज़ को एनकरेज करेंगे तभी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं। और लास्ट रूल है कि पेट अ कैट व्हेन यू सी वन ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी कुत्ता बिल्ली सड़क पर दिख जाए तो उसके साथ आप खेल लिया करिए। अब इसका असली मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में खूबसूरती को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। कभी कभी हम लोगों के साथ बहुत बुरी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में और वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप कोई इस तरह के पल में हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढनी पड़ेगी। अगर कोई बिल्ली आपके पास आती है और वो आपके पैर के आगे पीछे घूमती है तो आप उसके साथ खेल लीजिए। ऐसे ही अगर कोई कुत्ता आके अपनी पूंछ हिलाने लगता है तो उसके साथ भी खेल लीजिए, उसको कुछ खाने को दे दीजिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और तभी आप अपने आप में भी खुश रह पाएंगे। अगर आप बहुत डिप्रेशन में या बहुत मुश्किल चीज़ें झेल रहे हैं तो अपने टाइम फ्रेम को छोटा करिए। ये ना सोचिए कि यार मैं एक साल कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा, ये सोचिए कि आप एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन या एक घंटा भी कैसे खुश रह सकते हैं। जब आप अपने टाइम को ऐसे छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देते हैं तो आप ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को झेल लेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये बुक शायद सबसे लाइफ चेंजिंग बुक होगी जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको बहुत रेकमेंड करूंगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप जॉर्डन पीटरसन के YouTube वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।